श्री राम समर्थ। सितंबर 29। गृहस्थी साधन है, परमार्थ साध्य है। मैं गृहस्थी के लिए नहीं बल्कि श्री राम के लिए हूँ, यह भावना दृढ़ रखे। मैं श्री राम के लिए जी रहा हूँ ऐसा कहे। फलतः राम के ही गुण हमारे भीतर उतरेंगे। हम गृहस्थी के लिए जीते हैं इसलिए गृहस्थी के गुण हमारे भीतर उतरते हैं। इसलिए भगवान के लिए जिए। गृहस्थी यह साधन है, परमार्थ यह साध्य है। गृहस्थी से किसने छुटकारा पाया है, किंतु साधु उसका सदुपयोग करते हैं, हम वैसा करते नहीं। संसार में तीन बातें दुर्लभ हैं, मनुष्य जन्म, संत समागम और मुमुक्षुत्व। मनुष्य जन्म केवल परमार्थ के लिए ही है, विषय भोग के लिए नहीं। परमार्थ की लगन लगनी चाहिए। व्याकुलता उत्पन्न होने पर, मन शुद्ध होने पर श्री राम मिलेंगे ही। दीपक जलाने पर उसे समय समय पर तेल नहीं डाले तो वह बुझ जाएगा। नामस्मरण रूपी तेल परमार्थ के दीपक में बार बार डालने पर वह सदा जलता रहेगा। परमार्थ तो प्रायः अनुभव का है। यदि पंढरपुर जाना चाहते हो तो रास्ता नापना चाहिए, तब रास्ते में मार्ग दिखाने वाला कोई न कोई मिलता ही है। कम से कम मार्गदर्शक फलक तो होते ही हैं। हम परमार्थ का मार्ग नापना शुरू ही नहीं करते फिर मार्गदर्शक कैसे मिलेगा। परमार्थ का मार्ग नापते समय गुरु अवश्य मिलेंगे। अतः श्री राम का अखंड स्मरण रख कर परमार्थ प्राप्ति की चेष्टा करें। आचार विचार का समन्वय हो। जो पोथी में हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसका कुछ अंश कृति में उतारे। पोथी पढ़ने के पश्चात जितना समझ गया है उतना तो कम से कम आचरण में लाने में क्या हर्ज है। जो समझ में नहीं आए वह भी धीरे धीरे समझेगा। घर से बाहर आते ही एकदम गंतव्य स्थान दिखाई नहीं देगा। पहले एक रास्ता, फिर दूसरा रास्ता, फिर तीसरा, ऐसा करते करते हम इष्ट स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। उसी प्रकार पोथी में जो दिया होता है वह पूरा का पूरा यदि समझ में नहीं भी आया तो जितना समझ गया है उतना तो आचरण में लाएं। दृढ़ निश्चय से यदि एक एक मार्ग पर हम चलते रहे तो गंतव्य स्थान पर निश्चय ही पहुंचेंगे। इसलिए भगवत स्मरण का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। उसे तो प्राण की बाजी लगाकर भी संभालना चाहिए। संत सद्गुरु और शास्त्रों के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखे, वहाँ बुद्धि भेद न होने दे। यदि इसी मार्ग पर चले तो गृहस्थी परमार्थ रूप ही होगा। मैं राम का हूँ यह कहना ही परमार्थ है। अहम बुद्धि रखना गृहस्थी है। परमार्थ में अहंकार मिलाते ही वह प्रपंच बनता है। इसके विपरीत गृहस्थी से अहंकार मिटाने पर वह परमार्थ होता है। गृहस्थी रूपी वृक्ष को हम अभिमान रूपी जल से बार बार सींचते हैं, इसलिए वह इतना बढ़ गया है। अतः मूलतः अभिमान ही मिटाना चाहिए। सच्चा कर्ता ईश्वर होते हुए भी हमारा जीव अकारण मैं करता हूँ ऐसा मानता है। पेड़ का पत्ता भी राम की शक्ति के बिना हिलता नहीं। देह का जीवन निर्वाह भी वह करता है। मैं करता नहीं हूँ बल्कि राम ही करता है, भावना बढ़ाना ही उपासना है। आज का मुख्य विचार, यदि जीव मैं ही करता हूँ ऐसा नहीं मानेगा तो उसे सुख दुख भुगताना नहीं पड़ेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।